420 फेवरेबल। इसके बाद हम करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा प्राइस का डिफरेंस देखेंगे तो 5800 माइनस 5580, तो ये आएगा हमारा 220 फेवरेबल। मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालेंगे तो 6000 माइनस 5800 तो ये 200 फेवरेबल। अब मुझे मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए मुझे निकालना होगा SCSM, वो कितना होगा, वो होगा आपका 6000 अपॉन 187.50, ठीक है, 6000 अपॉन 187.50। तो इसकी जरा कैलकुलेशन कर लें, ये आएगा आपका 32 रुपीज। यहां पर हमें निकालना है SCAM, इसका टोटल है 200, तो ये आएगा 5800 अपॉन 200, तो ये आएगा 29 रुपीज। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था, SCSM माइनस SCAM इंटू AQ, 32 माइनस 29 इंटू 200, ठीक है ना, तो ये आया हमारा 600 फेवरेबल। अब मटेरियल रिवाइज्ड यूजर्स वेरिएंस निकालेंगे तो SQ माइनस AQ इंटू SCSM, तो 187.50 माइनस 200 इंटू 32, ये आएगा 400 एडवर्स। अब मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग यील्ड वेरिएंस और रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस दोनों सेम होते हैं, लेकिन यील्ड वेरिएंस हम निकालते हैं आउटपुट पर। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस करेंगे, स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड यील्ड क्या थी, हमारा 200 यूनिट था एक्चुअल इनपुट, इसमें अगर हम 20% नॉर्मल लॉस कर देंगे तो हमारी 160 यूनिट तैयार होती। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपकी सर एक्चुअल आउटपुट आपका 150 यूनिट का है, 6000 रुपये आपका लग रहा है SQ इंटू SP, 150 यूनिट तैयार कर रहे हैं आप, तो ये आपका 40 रुपये पर यूनिट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आई। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होगा, 160 माइनस 150, एक्चुअल आउटपुट तो 150 ही हुआ ना, और इंटू 40, 400 रुपये एडवर्स। आप 200 किलो में 160 यूनिट तैयार कर सकते थे, आपने 150 यूनिट तैयार करी, यानी कि 10 यूनिट आपने कम तैयार करी। जब 10 यूनिट आपने कम तैयार करी तो ये आपको नुकसान हो गया और वो फिर एडवर्स वेरिएंस कहलाएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका वेरिएंस है और ये वेरिएंस सेम ही है, ये रिवाइज्ड यूजर्स वेरिएंस है और ये यील्ड वेरिएंस है। यील्ड वेरिएंस को हम लोग आउटपुट से निकालते हैं, ठीक है जी, चलिए।